इंडियन न्यूज 24 आवर। चिदंबरम ने ईडी पर सरकार के इशारे पर अपने अधिकारों के दुरुपयोग का आरोप लगाया, कहा कि वह दबाव में नहीं आएंगे और बोलते लिखते रहेंगे। जी न्यूज डेस्क अपडेटेड January 13, 2018। ISTED ने जांच के सिलसिले में कार्ति चिदंबरम से जुड़े 10 परिसरों पर छापेमारी की। चिदंबरम ने कहा, मैंने तलाशी को लेकर कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन विरोध दर्ज कराऊंगा। मैं न तो झुकूंगा न ही टूटूंगा और बोलना लिखना जारी रखूंगा। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने जताया छापेमारी का विरोध। नई दिल्ली एसएल मैक्सिस मामले में धन शोधन की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के घरों पर छापा मारने के बाद कांग्रेस और चिदंबरम ने शनिवार को सरकार पर विपक्ष के खिलाफ खतरनाक प्रतिशोध की भावना से काम करने का आरोप लगाया। चिदंबरम ने ईडी पर सरकार के इशारे पर अपने अधिकारों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वह दबाव में नहीं आएंगे और बोलते लिखते रहेंगे। कांग्रेस नेता ने जोरबाग इलाके में अपने घर के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में छापेमारी को त्रुटियों से भरी स्थिति बताया और दावा किया कि अधिकारी शर्मिंदा थे क्योंकि उन्हें उनके घर पर कुछ नहीं मिला। इन जांच के सिलसिले में पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे कार्ति चिदंबरम से जुड़े 10 परिसरों पर छापेमारी की, जिसके बाद चिदंबरम ने ये सब कहा। उन्होंने कहा, चूँकि उनके पास तलाशी का वारंट था, मैंने तलाशी को लेकर कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन कहा कि मैं विरोध दर्ज कराऊंगा क्योंकि निर्धारित अपराध को लेकर कोई प्राथमिकी नहीं है। साफ तौर पर अपराध से अर्जित कोई आय नहीं है और धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत यह ईडी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, चिदंबरम ने कहा। लेकिन तब भी ईडी ने सरकार के इशारे पर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करना जारी रखा है। सरकार को ईडी का दुरुपयोग करने दीजिए, मैं न तो झुकूंगा न ही टूटूंगा और बोलना लिखना जारी रखूंगा। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने एक अलग बयान में कहा कि छापेमारी कांग्रेस एवं दूसरे विपक्षी नेताओं के खिलाफ सरकार द्वारा जारी प्रतिशोध की कार्रवाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राजनीतिक बदले लेने तथा राजनीतिक विरोधियों को डराने के लिए ईडी और CBI सहित विभिन्न एजेंसियों का बंधक कठपुतलियों के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। क्यों हुई है छापेमारी? यह छापेमारी एसएल मैक्सिस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में की गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने पिछले साल 1 दिसंबर को इसी मामले में कार्ति के एक रिश्तेदार और अन्य के परिसरों पर छापेमारी की थी। ईडी का यह मामला 2006 में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम द्वारा दी गई विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड FIPB की मंजूरी से संबंधित है। कार्ति ने कुछ बैंक खाते बंद कर दिए। यह भी आरोप है कि मनी लॉन्ड्रिंग रोधक कानून PMLA के तहत कुर्की की प्रक्रिया से बचने के लिए कार्ति ने कुछ बैंक खाते बंद कर दिए हैं और कुछ अन्य खातों को बंद करने का प्रयास किया है। एजेंसी का आरोप है कि एसएल मैक्सिस FDI मामले को मार्च 2006 में तत्कालीन वित्त मंत्री ने FIPB की मंजूरी